अच्छा बेटा ये देखो, ये मैं शुगर ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें एग योग है, ठीक है। एग योग के साथ हमने मुकम्मल एक एग भी इसमें ऐड किया है। एग ऐड करने का हमारा मकसद ये था, हमारा जो क्रीम ब्रूलेस है ना, ये एक जान में बने, एक एग डालने की। ये हम कस्टर्ड शुगर ऐड की है, ठीक है बेटा। उसके बाद हमने ये विक्स ली है और इसके साथ हमने क्रम्बलिंग करना शुरू कर दिया बेटा, ठीक है बेटा। और इसको फिर हम अच्छे तरीके के साथ जरा बीट करेंगे, जरा शुगर का एक्सेस जो है वो खत्म हो। फिर उसके बाद हमने बेटा इसमें ऐड कर दिया है मिल्क, इसमें कंडेंस्ड मिल्क भी है बेटा और लिक्विड दूध भी। आप हलीम ले लें, मिल्क पैक ले लें, आप इसमें और कोई सा भी दूध आप ले सकते, कोई भी ब्रांड ले सकते हैं। बेटा और बेटा फिर इसमें लेमन जूस, लेमन जूस मैंने आपको कितना बताया था, कम है। हाँ अच्छा बेटा, ये मिल्क पैक क्रीम है, इसको हम ब्रेड करेंगे तो 200 ग्राम, ठीक है। अगर ये दोनों होगी तो 4 से चलेगी, ठीक है बेटा। और इसको भी हमने ऐड कर लिया, ये देखो बेटा। ये देखो बेटा, तो हम शुगर को बिल्कुल, अब ये लेमन जूस है बेटा 1 टेबलस्पून, ठीक है। लेमन जूस का मकसद है, इसमें हमने फ्लेवर दिया, टच दिया लेमन। आप फ्लेवर दूसरा देंगे तो वो अच्छा नहीं होता, फ्रेश लेमन का ज़्यादा अच्छा टेस्ट होगा, खाने में भी मज़ा आएगा। कुछ बेकिंग होती है ये, आप इसको घर में पतीली के अंदर भी आप इसको बेक कर सकते हो, ओवन कुछ ये नहीं कि ओवन में सब कुछ बेक हो सकता है, ओवन के बगैर भी बहुत कुछ बेक हो सकता है। हम इसे 5 मिनट रेस्ट देंगे, 5 मिनट के बाद दोबारा आएंगे। इसके अंदर हम ऐड करने लगे, ठीक है बेटा। सर बताए भी, ये देखो बेटा, इसमें ये पानी डबल बॉयलर पे इसमें कुक होना है, ठीक है। इसको हम बेकिंग के लिए रखेंगे। कपड़ा दिखाना बेटा, और ये हमने अपना ओवन की, और ये हम इसके अंदर बेकिंग के लिए लगाने लगे। ये हमारा बेकिंग के लिए चला गया, और ये 18 मिनट इसको हमने बेक करना है, ठीक है, 180 टेम्परेचर पे। और 18 मिनट के बाद बाहर, और बेक के बाद फिर मुलाकात।